चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। इस बीच मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन करवाने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 13,35,00,000 कोरोना डोज लगाए जा चुके हैं। कोरोना संकट की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम फिर से गति पकड़ रहा है। कोविड वैक्सीनेशन स्टेट ऑफिसर डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया, अभी एमपी में बूस्टर डोज 1,40,000 अवेलेबल हैं। 5,00,000 बूस्टर डोज और केंद्र सरकार से डिमांड किए गए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 13,35,00,000 डोज अभी तक लोगों को लग चुके हैं। देखिए, प्रदेश में अभी विभिन्न स्टोरों में जिलेवार अगर हम बात करें तो 1,40,000 के करीब हमारा डोज उपलब्ध है। और अभी राष्ट्रीय जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वयं 5,00,000 डोज अतिरिक्त सप्लाई करने का डिमांड भी दी है भारत शासन को। कोविड वैक्सीनेशन स्टेट ऑफिसर डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया, 98% लोगों को प्रथम डोज, 97% लोगों को सेकेंड डोज और बूस्टर डोज 60 वर्ष के ऊपर वालों को 40% और 18 वर्ष से ऊपर 25% युवाओं को लग चुका है। शुक्ला ने बताया, मध्य प्रदेश अभी तक एक भी वैक्सीन एक्सपायर या खराब नहीं हुआ है। अभी तक 5,49,00,000 हमें जो लक्षित आबादी थी प्रदेश की, उसमें 60 से अधिक उम्र के 40% लोगों ने टीकाकरण बूस्टर डोज ले लिया है, जिसको प्रिकॉशन डोज भी कहते हैं। और अगर आप पूछें कि 18 साल से अधिक उम्र के कितने नागरिक हैं, तो वो 25% हैं जिन्होंने अपने को सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।